प्रत्येक साल मानते हैं और ये छठ मैया की पूजा है और छठ मैया प्रत्येक साल अपने घर आती है और ये सूर्योदय का पूजा है और सूर्योदय हम लोग का सूर्योदय जो हम लोग जो उदय होते हैं उनकी पूजा करते हैं और जो डूबती है उसकी पूजा करते हैं। और ये सतमा जी है जी छठ मैया इसका अपरापर मैया है और बहुत मतलब बच्चे नहीं होते हैं धनबाद बच्चा नहीं होता बच्चे लोग मानते हैं और इनके माया से बच्चे होते हैं। मान लीजिए आपका मनोकामना है मनोकामना पूरी होगी आपका। इस तरह हम लोग को बहुत से प्रमाण मिला हुआ है। ये मान लीजिए कि हिंदुओं का पर्व है और हम लोग का पूजा करने वाले पार्वती मान लीजिए कि 40-50 होते हैं और आदमी का जमा 150-1000 ज़्यादा होते हैं। खाना पीना मतलब 3 दिन का व्रत होता है। ये पहला दिन आपका नहा खा होता है उसमें लाओ से खाना खाते हैं लाओ और अरहर दाल मिस का खाना खाते हैं और सेकंड दिन खरना होता है। खरना में हम लोग रात को रसिया रोटी बोलते हैं जो हम लोग खीर और रोटी खाते हैं और थर्ड दिन में होता है उपवास रहते हैं दिन भर और हम लोग शाम को सूर्य की पूजा करते हैं डूबने के समय और फिर सुबह में जो मार जाती है जो उदय समय सूर्य जब उदय होते हैं तब फिर पूजा करते हैं। बताइए जो डूबते सूरज को भी अर्घ दिया जाता है और उगते सूरज को भी। हाँ इतना ही बताएं और इनका महिमा का कोई मतलब ये नहीं कितना है। ये सब पूजा करने के बाद अपनी काम इंसान का क्या विश्वास होता है। बहुत विश्वास है इसमें बोलना ही नहीं है मतलब बोल के बयान नहीं कर सकता कि क्या विश्वास है।